सो 3 पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, स्टॉक शुड बी ट्रेंडिंग, मतलब या तो ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली हायर लोज लगा रहा हो या नीचे की तरफ आपको हायर लोअर हाइज लगा रहा हो, ट्रेंड में होना चाहिए स्टॉक। दूसरा पॉइंट है कि रेंज ब्रेकआउट होना चाहिए 1 डे टाइम फ्रेम में। तीसरा पॉइंट है कि हमको पुल बैक के लिए वेट करना है फ्रॉम वीवैप इन 5 मिनट्स, अगर हमको इंट्राडे ट्रेड करना है। हाई इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल, एंड इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट एंट्री एंड एग्जिट इन इंट्राडे इन स्टॉक्स। ठीक है, हमें कैसे एंट्री लेनी है और कैसे एग्जिट करना है फ्रॉम द स्टॉक्स। तो अगर हमें कभी भी ट्रेड करना है तो आपको पहली चीज याद होनी चाहिए स्टॉक मार्केट में इंट्राडे स्टॉक्स के लिए कि स्टॉक जो है ट्रेंडिंग होना चाहिए। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इंट्राडे ट्रेडिंग का है कि स्टॉक को ट्रेंडिंग होना चाहिए। अगर रेंज बाउंड स्टॉक होगा ना तो आपको मूवमेंट मिलेगा ना उसमें आप कुछ पैसा बना पाएंगे। तो ट्रेंड बना होना चाहिए स्टॉक में। आप यहां देखिए, जो भी मेरे सामने स्टॉक लगा हुआ है ये अप ट्रेंड में है। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि अप ट्रेंड में है? इसको हायर हायर लोज लगाने हैं लगातार। यहां से देखिए, आप कभी भी स्टॉक ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करा है, हायर लो लगातार चला गया स्टॉक, मीन्स अप ट्रेंड में है। आप 10 SMA भी लगा सकते हैं, आप सिंपल 10 SMA लगा के भी एक हायर लो को डिसाइड कर सकते हैं। तो पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टोल्ड यू इज कि स्टॉक शुड बी ट्रेंडिंग, राइट? ये हमारा पहला पॉइंट होता है जिसको कि हमको नोटिस करना है। सेकेंड पॉइंट हमको क्या करना है, आफ्टर ट्रेंडिंग इट हैज टू ब्रेक द रेंज। अगर जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये रेंज था, उसका ब्रेकआउट आने के बाद अच्छा खासा मूव आया, या यहाँ पे रेंज बाउंड था, ब्रेकआउट होने के बाद आपको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला है। इसी तरह आज स्टॉक रेंज बाउंड था और इसने ब्रेकआउट दिया कल, तो एक आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। तो ट्रेंडिंग होने के बाद सेकेंड है आपका रूल कि रेंज ब्रेकआउट होनी चाहिए। ठीक है, रेंज ब्रेकआउट होनी चाहिए। अब आप उसके बाद, आप रेंज ब्रेकआउट उसके बाद थर्ड जो है आपको पॉइंट जो नोटिस करना है वो एक पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक का वेट करना है, थर्ड पॉइंट आपको पुल बैक का वेट करना है। आपको देखना है कि स्टॉक आपको पुल बैक कब देता है। आप 10 SMA से पुल बैक ले सकते हैं, आप VWAP से पुल बैक ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, या 10 EMA से ले सकते हैं, आप जो समझे ठीक समझे उससे ले सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं आपके लिए VWAP से पुल बैक लेके दिखाती हूँ। टाइम फ्रेम हम रखेंगे 5 मिनट का। अब एज आई टोल्ड यू कि ये जो भी स्टॉक है, आई डोंट वॉन्ट टू गो बाय नेम, इट्स जो भी स्टॉक है हमने एस्टेब्लिश किया कि ये अप ट्रेंड में है। उसके बाद एक रेंज हमने मार्क की हुई है 2868 की, और जब ये ब्रेकआउट आता है मुझे कहां से पुल बैक चाहिए, मुझे चाहिए VWAP से पुल बैक। अब स्टॉक ऊपर गया, राइट? स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और एकदम से नीचे आया, उसके बाद फिर ऊपर गया है, और ब्रेकआउट देने के बाद आई विल वेट फॉर टू थिंग्स। वन, दैट वॉल्यूम शुड अपियर। सेकेंड, रेंज शुड ब्रेकआउट, देर शुड बी अ पुल बैक फ्रॉम द VWAP। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस स्टॉक ने, जो भी ये स्टॉक है, मेरे को नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज इट्स ट्रेंडिंग, एज लॉन्ग एज इट हैज गिवन अ रेंज ब्रेकआउट, आई एम लुकिंग फॉर नाउ माई थर्ड पॉइंट विच इज पुल बैक। तो यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, इस कैनल पे ही ब्रेक हुआ है, तो मेरे को कोई ट्रेड नहीं बनता है। आई विल वेट फॉर इट टू शो मी अ ट्रेंड। पहले ट्रेंड बना, ट्रेंड ने जाके VWAP पे टच किया और यहां से पुल बैक लिया है। ठीक है, मेरा जो सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो वॉल्यूम्स पे रहेगा, वॉल्यूम में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो आई स्टिल वेट, मेरा बाइंग की अपॉर्चुनिटी इस जगह के ऊपर आएगी, राइट? माय बाइंग अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू कम अबव द पास्ट बैरियर्स। यहाँ पे देखिए आप, फर्स्ट वॉल्यूम अपीयर हुए इस जगह पे, और हमको यहीं पे हमारी एंट्री मिलती है। स्टॉप लॉस हमारा कुछ ये है, आई जस्ट टेल यू कि हमारा एंट्री कहाँ पे हमको मिलती है। एंट्री मिलती है हमको 2896 पे, ये हमारी एंट्री बनती है। स्टॉप लॉस हमारा बनता है VWAP, विच इज 2874, केवल 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, और टारगेट हमारा कम से कम इसका डबल होगा। अगर 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है तो टारगेट हमारा कम से कम 40 पॉइंट्स का है, और आप देखिए कल ही इसने आपको स्ट्रेट अवे 40 पॉइंट्स दिए हैं। और आज फिर अगर हमें सेकेंड एंट्री लेनी होती मॉर्निंग में, तो आपको सेकेंड एंट्री कहाँ पे मिलती, स्टॉक अगेन पॉजिटिव रेंज में है, नीचे आता है, पुल बैक लेता है, आपको पता है स्टॉक ने रेंज ब्रेक किया है, स्टॉक इज इन ट्रेंडिंग, पुल बैक आ रहा है, यहाँ पे आपको एंट्री बनेगी, यहाँ पे इस जगह के हाई के ऊपर आपकी एंट्री बनेगी।
और यहाँ स्ट्रेट अवे आपको मूव मिलता है, आपका स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा सा है। मैं आपको बताती हूँ स्टॉप लॉस क्या बनेगा, एंट्री कहाँ पे बनेगी, 2986 पे आपकी, 2986 पे आपकी एंट्री बनेगी और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2970। कहाँ पे हमारी एंट्री बनी है, 2987 पे एंट्री बन रही है, स्टॉप लॉस है 2970 का, 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और कम से कम 1:2 रेशो आपको लेके चलना है। तो यहां से लेके 2988 से लेके 3034 मतलब आपको कम से कम 50 पॉइंट्स का मूवमेंट आपको देखने को मिला है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल ट्रेंड है, आपको वंस अगेन आई विल राइट इट डाउन फॉर यू। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि ट्रेंड एस्टैब्लिश होना चाहिए, ठीक है, लेट मी राइट इट ऑन अ। सो तीन पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, स्टॉक शुड बी ट्रेंडिंग मतलब या तो ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली हायर लोज लगा रहा हो या नीचे की तरफ आपको हायर लोअर हाइज लगा रहा हो, ट्रेंड में होना चाहिए स्टॉक। दूसरा पॉइंट है कि रेंज ब्रेकआउट होना चाहिए वन डे टाइम फ्रेम में। तीसरा पॉइंट है कि हमको पुल बैक के लिए वेट करना है फ्रॉम वीवैप इन 5 मिनट्स अगर हमको इंट्राडे ट्रेड करना है। और हम ये तीनों पॉइंट्स को अगर अच्छे से नोटिस करते हैं, लो ऑफ द यू नो फ्रॉम वेयर द प्राइस रिजेक्शन इज कमिंग ऑफ वीवैप इज गोइंग टू बी अ स्टॉप लॉस एंड अबव द कैंडल व्हिच फॉर्म्स अबव द वीवैप इज गोइंग टू बी योर बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो ये तीन पॉइंट्स आप याद रखेंगे तो आप बहुत जबरदस्त बेहतरीन इंट्राडे ट्रेड कर सकेंगे।